नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष महतो। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में। कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट अभी अभी पेश किया है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है रिजल्ट के अंदर, क्योंकि शेयर के अंदर बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कई समय से। बेसिकली ये डाटा लाख में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 215 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 228 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। जी हाँ, तो एक अच्छा खासा के अंदर एक जंप देखने को मिली है। लेकिन जब बात आती है पिछले साल की, तो पिछले साल 247 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। उस हिसाब से देखें तो एक थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिल रहा है ईयर ऑफ ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एक शानदार अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये मिक्स बोल सकते रेवेन्यू है, क्योंकि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अपसाइड है और साल दर साल डाउनसाइड है। लेकिन ओवरऑल क्या बन गया है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है। लेकिन देखिए सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 47 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। जी हाँ, एक एक देखा जाए तो 20% के आसपास का डाउनसाइड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखने को मिला है। साल दर साल बात करें तो 58 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से भी देखें तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना, आपने अगर गौर किया होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपने अगर गौर किया होगा, 228 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया, 40 करोड़ प्रॉफिट हो गया। पिछले क्वार्टर में 215 करोड़ का था, 47 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में रिवेन्यू कम था, प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा रिवेन्यू दिया है, लेकिन प्रॉफिट में कम हो गया है। देख रहे हैं आप, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि बजाज कंज्यूमर मतलब ऐसे रिजल्ट आप नहीं दे सकते। इतनी बड़ी कंपनी, आप ऐसे रिजल्ट नहीं दे सकते। आपको सोचना पड़ेगा ऐसे रिजल्ट देने से पहले, क्योंकि आप देखिए प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट, जहां 58 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था, अब 40 करोड़ पे आ गया है। मतलब आप समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आप क्या करना चाहिए। देखिए बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो है देखिए ये शेयर अभी 180 के आसपास पे चल रहा है। शेयर का 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक लो है अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास का, अब 52 वीक हाई अप्रॉक्सीमेटली 380 के आसपास। तो शेयर अभी अपने 50% पर मिल रहा है 52 वीक हाई से। जी हाँ, आधे परसेंट पर मिल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिया है। इतना अच्छा क्या, अच्छा दिया ही नहीं है। अगर बोला जाए ना एक लफ्ज में आप जानना चाहोगे ना, तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू गिरा है और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई ना किसी भी कंपनी के लिए। आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बचा लिए, जी हाँ, आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अपने एक रिवेन्यू को बचा लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं बचा पाए ना। 47 करोड़ के मुकाबले 40 करोड़, कोई जम ही नहीं रहा यहाँ। सच मैं क्या बोलूँ, आपके सामने डाटा है, आप खुद बताइए क्या ये रिजल्ट अच्छा है क्या। भले ही आपके पास शेयर है, फिर भी आप सोचिए क्या ये रिजल्ट अच्छा है क्या। अब इस पर मैं 300-400 का टारगेट दे दूँ, ये तो नहीं होगा ना। अब जो सच है मैं बता रहा हूँ, सच ये है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है। इनलाइन बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं, अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे भी शेयर बहुत सारा गिर चुका है, तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा शेयर के अंदर। तो मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि अगर आपके पास ऊपर के लेवल पर अगर शेयर फंसे हुए हैं, तो आप, मैं बोलूँगा कि इस गिरावट में जितना ऐड कर सकते हो उतना ऐड कर लीजिए, एवरेज बना लीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अल्टीमेटली एक ना एक दिन आपको फ़ायदा मिलेगा ही। तो मेरी यही एडवाइस हुई, अगर आपके पास शेयर है तो ऐड कर लीजिए, एवरेज बना लीजिए। अगर आप फ्रेश एंट्री करने वाले हैं, तो मैं तो बोलूँगा इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जैसे ही शेयर गिरे फ़ायदा उठाइए, भर के उठा लीजिए माल। तो साथ में ये भी बताना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब लाइक के आधार पर ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और हमें सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।